Hi guys, very good morning. So today is the Saturday and we are going to see excited place. So today, आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ बहुत excited place. Actually ये ज़्यादा दूर नहीं है हमारे पूना से, just थोड़े से दूर में है. आपने सासवड़ का नाम तो सुना ही होगा, जैसे सासवड़ थे वैसे तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा पुराना रिलेशन है, वहाँ पर मैं अक्सर जाते रहता हूँ. जहाँ मैं रहता हूँ मेरे लोकेशन से पास भी होता है. एंड अगर से आपने भी सुना होगा गाइस तो सासवड़ आप अच्छी तरह से जानते होंगे. सो आज मैं सासवड़ जा रहा हूँ. सासवड़ में एक्चुअली मुझे जाने का कोई रीज़न नहीं है. मैं सैटरडे है इवनिंग में मुझे थोड़ा काम भी था, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में चलो जाते हैं वहाँ पर. मैं एक्चुअली मुझे दो टेम्पल हैं जो मुझे एक्सप्लोर करने थे, वो बहुत ब्यूटीफुल है. एक्चुअली वो टेम्पल्स मैंने बहुत बार देखे हैं, उनमें से एक टेम्पल मैं बहुत बार गया हूँ, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया हुआ है. एंड एक टेम्पल है जो मेरे लिए एकदम नया है. सो दोनों ही टेम्पल भगवान शिव के हैं. तो एक का नाम तो मुझे पता है, उसका नाम है कुछ चंगेश्वर, ऐसा कुछ मंदिर का नाम है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब मंदिर का पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ. एंड एक और दूसरा मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. एक्चुअली अगर से आप मराठी फिल्में देखते हो ना, मराठी फिल्मों में आपने उस मंदिर को अक्सर देखा होगा. जिसे मैं आपको एक मूवी का नाम बताता हूँ, मूवी का नाम है पोस्टर गर्ल. अगर से आपने पोस्टर गर्ल मूवी देखी है तो वो मंदिर आपने ज़रूर देखा होगा. अगर देखा होगा तो आपको इस मेरे नेक्स्ट वीडियो में वो मंदिर जरूर देखने को मिलेगा. उस मंदिर का जो व्यू है बहुत ब्यूटीफुल है. दोनों साइड रिवर है, बीच में मंदिर है, एंड बहुत पुराना मंदिर है. वहाँ पर नंदी महाराज की बहुत बड़ी सी फोटो है. एंड दिस इज लाइक वेरी क्रेजी. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द बोथ द प्लेसेस. एंड दोनों मंदिर है जो मैं कवर करने वाला हूँ. सो आपको मेरे दो अपकमिंग नेक्स्ट दोनों वीडियोस में आपको दोनों मंदिर देखने मिलने वाले हैं. एंड आज सैटरडे है एंड कल संडे है. तो संडे का अभी तक मेरे पास में कोई प्लान नहीं है, बट आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं कल किसी ना किसी एक थोड़ी बड़ी जगह जाने वाला हूँ. तो कल का जो मेरा रहेगा ट्रिप वो थोड़ा लॉन्ग रहेगा, उसका अभी तक मेरे पास कोई प्लान फिक्स नहीं है. या तो मैं किले किंजलगढ़ जा सकता हूँ, या फिर उस पार में और भी कमलगढ़ जा सकता हूँ. ऐसे और भी कुछ जगह हैं जो मेरी लिस्ट में है. सो फार मेरे पास में ऐसा कोई प्लान नहीं है. सो गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देयर एंड एक्सप्लोर. डू यू एक्साइटेड? इफ यस, लेट्स गो देयर. एंड गाइस मैंने एक्चुअली पता है, मेरी एक या छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, या मैं आप लोगों के लिए मेरा प्यार भी है, या आप जो भी चाहो समझ लो. यार मुझे ना एक चीज़ पता है, आज मैं क्या हो रहा था ना, मैं इसे बैठा हुआ था, मैं अपना चैनल को ना रिव्यू कर रहा था. तो मैंने जब अपने चैनल को रिव्यू किया ना, तो मुझे पता चला कि मेरे जितने भी वीडियोस हैं, मेरे जितने भी ब्लॉग्स हैं, मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यार से बनाता हूँ, बहुत मेहनत करके बनाता हूँ. जैसे किले राजगढ़ है, किले राजगढ़ को 4-5 घंटे चढ़ने को लगे थे मेरे, उसके बाद में इतनी मेहनत से चढ़ा था, बहुत थका था. एंड आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको, एंड मेरे वीडियोस को बहुत सारे लाइक्स भी मिले थे, व्यू भी अच्छे खासे थे. एंड इसके अलावा भी मेरे पास में कुछ, जैसे लास्ट वीक में मैं राजेश्वर गया था. राजेश्वर का जो क्लाइमेट था वो भी कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन जो व्यू था बहुत ऑसम था. आई होप कि आप लोगों को किले राजेश्वर भी पसंद आया होगा. उसके बाद में किले रोहिड़ा गया था, किले रोहिड़ा भी बहुत ब्यूटीफुल था. एंड वहाँ पे भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला था, एंड वहाँ के भी बहुत सारे मेरे नए फ्रेंड्स बने थे. एंड सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार करते हैं, एंड सब लोगों ने अच्छा प्यार दिया है. मेरे वीडियोज़ को अच्छे लाइक मिले हैं, अच्छे व्यू मिले हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ व्हाट एवर आई एम डूइंग विथ माई परफॉर्मेंस. बट जब मैंने अपना चैनल रिव्यू किया बॉस, तो मुझे एक चीज़ सामने आई, वो ये कि मेरे जितने रिव्यू है ना, 50% मेरे सब्सक्राइबर है और 50% मेरे अनसब्सक्राइबर है. मतलब कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो, लेकिन आप मेरे वीडियोस को अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. अगर से आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर बॉस क्यों वेट कर रहे हो यार? प्लीज़ गो एंड प्रेस द सब्सक्राइबर बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सब्सक्राइब करने में आपका पैसा तो नहीं जाता है, आपका कुछ नहीं जाता है ना, आपका कुछ टाइम जाएगा. वीडियो देखते तो सब्सक्राइब भी कर दो यार, लाइक भी कर दो, एक कमेंट्स भी कर दो. मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि यस गाइस आई एम डूइंग फॉर यू गाइस. सो यार प्लीज़ चैनल को आप बिना सब्सक्राइब किए भी आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, मेरे चैनल्स को देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार. उससे आपके भाई को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, और तो कुछ नहीं है. बाकी आप लोगों को जितना प्यार मिलता है, मैं उससे बहुत खुश हूँ. एंड इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार. आई एम बी, सो दिस इज़ द न्यू सैटरडे, न्यू प्लेस, न्यू एक्साइटेड. आस आई प्रॉमिस यू गाइस दैट एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू सी अ न्यू प्लेस. एंड दिस वीक अगेन आई वी हैव द न्यू प्लेस फॉर गाइस. सो टुडे वी हैव टू टेम्पल, अनदर वन नेक्स्ट टुमारो वी हैव सम, माइट बी आई डोंट नो विच किला आई एम गोइंग टुमारो, बट दे आर गुड बी समथिंग स्पेशल फॉर यू गाइस. एंड आई एम एक्साइटेड फॉर द वीक. लेट्स गो देयर एंड एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड. एंड प्लीज़ गाइस, अगर से आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो. अगर से आप चैनल के ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है, तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट्स करो, एंड मुझे बताओ कि मैं क्या गलती करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्या नहीं करना है.
एंड जिससे भी होता है सो फार गाइस मैं अपने 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास में हूँ। अगर से आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मिलेगा तो मैं बहुत जल्दी अपना माइलस्टोन जो 1000 सब्सक्राइबर का होता है उसको क्रॉस कर दूंगा। एंड प्लीज़ अगर इस वीडियो लाइक किया आप देख तो रहे हो तो सब्सक्राइबर के देख लो, आपको पैसा तो नहीं जाएगा ना। सो बस इतनी ही बात मुझे आपको बार बार बोलनी थी, क्योंकि क्या हो रहा है ना यार, वीडियो जब मैं अपने चैनल पे रिव्यू कर रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे कैसा हो रहा है कि वॉच टाइम में आपका सब्सक्राइबर 50% है, अनसब्सक्राइबर 50% है, मतलब 50-50 है दोनों में। सब्सक्राइबर जितने मेरा चैनल देखते उतने ही अनसब्सक्राइबर भी मेरे चैनल देखते, तो मुझे नहीं पता कि क्यों कौन लोग हैं जो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब कर देख रहे हैं। तो अगर सब्सक्राइब आप देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कमेंटों में मेरे वीडियोज़ के ऊपर कमेंट्स करके मुझे बताओ। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन और आपके लव आपके प्यार के लिए, आप जो इतना टाइम दे रहे हो मेरे वीडियोस को देखते हो, मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, इसके लिए आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू गाइस एंड आई एम वेरी थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन टू वॉच कमलेश चैनल। एंड व्हाट टू से, बस इट्स लाइक अमेजिंग यार, लाइफ इज गोइंग सो फार सो गुड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। जब से मैं भर के बाहर आना चालू किया आप लोगों के लिए, मैं वीडियो बनाना चालू किए, मैं बहुत हर वीक में मैं एक नई जगह जा रहा हूँ, बहुत अच्छी ब्यूटीफुल फुल जगह उसको रिव्यू कर रहा हूँ, वहाँ को एक्सप्लोर कर रहा हूँ एंड जस्ट लाइक ऑसम बॉस। माइंड जो होता है ना वीकेंड पूरा ऑसम होता, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना प्यार मिलता है उससे ना कि बस मैं खुश हो जाता हूँ यार। सैटरडे संडे पूरा मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उसके बाद मैं डेली में एक एक वीडियो को एडिटिंग करता हूँ, उसको काम करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, उसके बाद मैं डेली आपको वो एक वीडियो अपलोड करता हूँ। हाँ कभी कभी कोई वीडियो कभी जल्दी आ जाता है, कभी थोड़ा लेट होता है, तो उसके लिए आई एपोलॉजी, मैं माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं डेली का एक वीडियो अपलोड करता हूँ। आगे चल के शायद मेरे वीडियोज़ का जो टाइम है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाए, हो सकता है मैं आपको डेली एक वीडियो की जगह वीकली एक वीडियो या दो वीडियो ऐसे ही देता रहूँगा, बट जो भी मुझे जगह मिलती है मैं वो एक्सप्लोर करता हूँ। मेरा कोई एक मोटिवेशन नहीं है कि मुझे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही वीडियो बनाना है या मुझे कई किले ही कवर करने, ऐसा नहीं। आई एम जस्ट कमिंग आउट टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में मुझे जो भी चीज़ ब्यूटीफुल लगेगी बस मैं उसको कैप्च करूँगा और उसका वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूँगा, ताकि आप लोग भी घर बैठे बैठे दुनिया में जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो हमारा चर्च हो, जो भी हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो नदी हो, चाहे झरना हो, चाहे पहाड़ हो, या चाहे किला हो, या कोई खंडर हो, जो भी ब्यूटीफुल चीज़ होगी मैं उस चीज़ का वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल दूँगा। यू कैन जस्ट वॉच इट, लाइक इट एंड कमेंट्स ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ कीप वॉचिंग कम।